3 minutes, eh? Speak in 3 minutes. Can you change your name, sir? Eh? Your name is, हाँ, now it's. नहीं नहीं मेरा नाम नहीं आ रहा है. होएगा, उनका नाम होएगा. आज हम लोग द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉ एंड मिसलेनियस अमेंडमेंट बिल 2016 पर चर्चा कर रहे हैं. वजह इस बिल के द्वारा हम चार एक्ट में जो है वो कानूनों में हम चेंज कर रहे हैं. सरफेसी एक्ट 2002, डीआरटी एक्ट 1993 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996. महोदय, मैं आज वित्त मंत्री जी को सुन रहा था. वो एक प्रश्न के जवाब में वो जवाब दे रहे थे कि इस देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए और ग्रोथ के लिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए. और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बैंकों के एनपीए भी कम होने चाहिए. महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इससे पहले भी एक बिल लेके आए थे, बैंक्रप्सी दिवालियापन का बिल लेके आए थे. महोदय, ये बिल पे बिल हम ला रहे हैं, तो क्या हम बिल लाने से, कानून बदलने से, क्या हम इन जो लोग जानबूझकर पैसा खाते हैं उनसे पैसा हम निकाल लेंगे? मेरा ये मानना है कि जब तक हम में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हम चाहे कितने ही कानून बना लें, हम इन डिफॉल्टरों से पैसा नहीं निकाल सकते. वो किसी न किसी तरह, कैसे न कैसे भी, वो अपना जो है या तो देश छोड़ के चले जाएंगे या कोई और तरीके से वो अपना जो है बचाव कर लेंगे. महोदय, जब 2002 में सरफेसी एक्ट लागू हुआ था, तब ये माहौल बना था कि एनपीए कम होंगे, लेकिन एनपीए कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं. आज कोई कह रहा है 4 लाख करोड़ के एनपीए हैं, कोई 5 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, और एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि 2017 में जो है 20 लाख करोड़ रुपये होने वाला है. बोलते 20 लाख जो ये होने वाला है. तो ये जो हमारे सामने जो समस्या है कि ये जो एनपीए बढ़ते जा रहा है, इस पर हमको पाबंदी लगाने की आवश्यकता है. मंत्री महोदय बिल लेके आए, हम स्वागत करते हैं इनका. और इनका जो इंटेंशन है कि ऐसे लोग जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनसे पैसा निकाल के लाएं. महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि डीआरटी के पास में आज ये डीआरटी कानून कौन लेके आया था? ये डीआरटी कानून जो है ये कांग्रेस लेके आई थी 1993 के अंदर. और उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी कि जो है हमारे केसेस कम हो, हमारी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो. लेकिन आज बहुत ही तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है आज इनके केसेस पेंडिंग हैं. महोदय, 4 लाख एनपीए या 5 लाख जितने भी जो है वो राशि है, वो सारी के सारी कुछ लोगों के पास में है. जो 90% राशि जो है वो कुछ चंद लोगों के पास में है, जो मैं समझता हूँ कि इस एक्ट के बाद में कुछ जो है वो उनसे वसूली होगी. महोदय, इस बिल के अंदर डीएम को बहुत पावर दिया गया है और 30 दिन के अंदर वो वाद का निपटारा करेंगे. महोदय, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीएम को इतना पावर देना, कहीं वो पावर का मिसयूज ना हो, इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा. महोदय, मेरा दूसरा जो है ये कि आपको इस जो हमारा जो इसमें क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है. आज हमारे सामने जो है किसान है, एजुकेशन लोन है, एमएसएमई है, उनको अलग क्लासिफिकेशन करना चाहिए. जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनका अलग क्लासिफिकेशन करना चाहिए, और जो परिस्थितियों के कारण जो डिफॉल्टर हैं उनका अलग क्लासिफिकेशन करना चाहिए. तो हमारे सामने कुछ बातें आएंगी. महोदय, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो किसानी है वो बहुत महंगी हो गई है. आज हमारा किसान बहुत कर्जदार हो गया है. कई कारण हैं इसके, बार बार अकाल पड़ना, बार बार प्रकृति का प्रकोप होना. तो ये जो किसानी जो हुई है, इसके ऊपर मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ किसान ही एक ऐसा है जो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में शर्म है. आप एक छोटा सा भी नोटिस देते हैं तो उसके लिए वो बहुत बड़ा तोप के बराबर होता है,
और वो जो है या तो अपनी जमीन बेचता है और देता है। सर दो मिनट, सर मेरा निवेदन ये है कि आपको कृषि के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, किसानों पर विशेष ध्यान होगा। आज जो है बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, लाखों करोड़ रुपये खा रहे हैं लोगों के, वो कोई आत्महत्या नहीं करता, सिर्फ किसान आत्महत्या करता है और उसके लोन जो है वो छोटे होते हैं, इसलिए आपको जो है इसको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। महोदय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सभी ने कही है कि एजुकेशन लोन की, महोदय ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है एजुकेशन हमारे जो नौजवानों के ऊपर इतना इतना दबाव बढ़ गया है इस एजुकेशन लोन का कि लोगों के अंदर जो है वो डिप्रेशन आ गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग जो हमारे युवा लोग हैं वो कर्ज तले दबते जा रहे हैं और वो अच्छी डिग्री के लिए या जो है अच्छी पढ़ाई के लिए वो महंगे स्कूलों में जाते हैं, महंगी फीस अदा करते हैं, लेकिन उनको आने के बाद में उनको नौकरी नहीं मिलती है। हमारे गवर्नर ने भी कहा, हमारे गवर्नर ने भी कहा कि हमारे लोग जो है वो जो है युवा वर्ग है वो जो है अच्छी अच्छी एजुकेशन के लिए महंगा लोन लेके आते हैं, लेकिन वो महंगा नहीं देते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सर आज कोई एक व्यक्ति आज कोई स्टूडेंट MBA करके आता है उसके 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद में या तो उसको नौकरी मिलती नहीं है, मिलती है तो 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 8 से 10 हजार रुपए हमारे एक कुक और एक ड्राइवर से भी के बराबर हैं। आज कुक और ड्राइवर को कोई किसी प्रकार का 8-10 लाख का खर्चा नहीं करना पड़ता, जो किसी डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। आप लेकर के आए हैं आज जो है उन लोगों को जो डिफॉल्टर हैं, वो लोग जो बदमाश हैं, जो इस देश की गरीब लोगों की जो गाड़ी कमाई को खा रहे हैं, उसको आप निकाल लेंगे। अच्छा होंगे, धन्यवाद, बैठिए।